सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में डेड शॉट गेमिंग हेड शॉट किंग फ्री फायर। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बिजी था भाई, और भाई तुम लोग सपोर्ट भी नहीं दिखा पा रहे, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो और अपलोड करके देखता हूँ। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं लाया हूँ, ठीक है, इस वीडियो में मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया हूँ। मैं तुम लोगों को सिंपल से ट्रिक बता दूंगा, तुम लोगों को ट्रिक अच्छा लगे, तुम लोगों को मोबाइल में ट्रिक वर्क करे, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो सबसे पहले तुम लोग देख लो भाई, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉबी में हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कितना भी ट्राई कर रहा हूँ मेरा एक दो ही हेड लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा मतलब बॉडी लग रहा है। तो आज का टॉपिक इसी पे है कि तुम लोग जो है फ्री फायर ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट कैसे मार सकते हो, ओनली रेड नंबर कैसे मार सकते हो, लाइक राइट स्टार, वाइट एफएफ, ठीक है, ताहिर फ्यूगो, जितने भी तुम लोग बड़े बड़े प्लेयर देखते हो वो सब जो है ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, खास करके स्मूथ ट्रिपल फोर, और स्मूथ ट्रिपल फोर की वजह से जो है ईएमपी जो है फेमस हुआ है, और जब से जो है फ्री फायर का डबल रेट ऑफ फायर वाला स्किन आया है, ठीक है, ईएमपी में डबल रेट ऑफ फायर का स्किन जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जब से आया तब से जो है हेडशॉट का क्रेज चला हुआ है यूएमपी से। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को कुछ क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग मोड का ही क्लिप दिखा रहा हूँ, तो तुम लोग यार क्लिप कमा जा लो, मैं क्लिप दिखाते तुम लोग को मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं जब भी हेड मार रहा हूँ तुम लोग क्या देख रहे हो, ठीक है, तुम लोग गेम प्ले को ध्यान से देखो, ठीक है, मेरे गेम प्ले को ध्यान से देखा, मेरा ऐसा नहीं कि हमेशा रेड ही लग रहा है, मेरा बॉडी भी लग रहा है और साथ में रेड भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी से ज़्यादा रेड लग रहा है, जिससे मेरा हेडशॉट रेट भी बढ़ रहा है और मेरा हेडशॉट रेट भी बढ़ रहा है, साथ साथ मेरा हेडशॉट ज़्यादा लग रहा है, जिससे मैं कम गोली में जो है कम एमओ में जो है एनिमी को नॉक कर सकता हूँ। तुम लोग देख सकते हो भाई मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड कहीं गेम प्ले दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फ्री फायर जो है ज़्यादा खेल नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी एग्जाम का टाइम है, तो ठीक है, इसलिए ज़्यादा गेम नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ही तुम लोगों को ये जो यूएमपी का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है ये तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब में जो है बहुत सारे जो है यूट्यूबर जो है टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो निकाल रहे हैं, लेकिन किसी में ये बता रहा, किसी में वो बता रहा, भाई सही से कोई नहीं बता रहा, ठीक है, एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स सही से बता रहा, लेकिन भाई इतना लंबा टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं, मैं सही बताऊं तो इतना लंबा टिप्स एंड ट्रिक्स है नहीं, यूएमपी से हेडशॉट मारना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें जो है सही ट्रिक का इस्तेमाल करना है, सही डायरेक्शन में हेड ड्रैग करना है और सही चीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो अभी वर्क कर रहा है, जैसे अपडेट आया कि कुछ दिनों बाद जैसे कोविड 37 का अपडेट आया, ठीक है, उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि गेम प्ले तुम लोगों का अपने में महसूस किया हुआ गेम प्ले जो है बहुत ख़राब हो चुका है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल किया है वो ट्रिक को जो मैं हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूँ, और मेरे तुम जो है मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो कि मैं उसी तरह से हेडशॉट मारता हूँ, और जो भी लोग मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा वो जाकर पुराने वीडियो को देख लोगे तो इस वीडियो को नहीं देखना होगा, लेकिन यूट्यूब का क्या कर भाई, यूट्यूब जो पुराने वीडियो को ज़्यादा नहीं दिखा रहा, लोग तुम लोग पसंद नहीं कर रहे हो शायद, इसीलिए मैंने सोचा चलो उसी टॉपिक पर और एक नया वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग मेरा सेटिंग देख लो, ठीक है, जो मैं तुम्हें हर अपने वीडियो में मैं अपना सेटिंग दिखाता हूँ, तो अगर तुम लोग मेरा सेटिंग देख चुके हो तो इसको तुम लोग पार कर सकते हो, क्योंकि सेटिंग बहुत जरूरी है भाई, सेटिंग मोबाइल तुम्हारा, देखो मेरा सेंसिटिविटी तुम लोग देख सकते हो, देखो मैं सेंसिटिविटी क्लियर बता दूँ 80 से 100 के बीच रखूँ, या तो तुम 0 कर दूँ रेड डॉट का, ठीक है, लेकिन जनरल बाकी सब 100 रख सकते हो, लेकिन रेड डॉट जो है वो अपग्रेड के बाद थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है, उसका सेंसिटिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुम 0 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि 0 में हेड नहीं लग रहा, बहुत सारे मोबाइल में जो है हर मोबाइल का सेंसिटिविटी में फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है, तो बहुत सारे मोबाइल में क्या हो रहा है कि 0 सेंसिटिविटी जो रख रहा है रेड डॉट, ठीक है, 0 रेड डॉट जनरल मत रख लेना 0, उसका हेडशॉट भी अच्छा लग रहा है, जो 70 रख रहा है उसका भी लग रहा है, जो 90 100, मतलब रेड डॉट जो है तुम्हें अपने अनुसार सेट करना है, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ रेड डॉट का, वो तुम जरूर ट्राई करना, सबसे पहले तो तुम 100 ट्राई करो, ठीक है, और तुम्हारा पहले से 100 और उसमें तुम्हारा हेडशॉट नहीं लग रहा है तो तुम काम करो 5-5 कम करो, ठीक है, 5-5 कम करो, उसमें भी तुम्हारा दिक्कत हो रहा है तुम एक ही बार जो है तुम सब जाके 0 कर दो और 0 में खेलो, ठीक है, एक दो गेम खेलो ट्रेनिंग मोड में, अगर तुम्हारा हेड नहीं लग रहा तुम एक काम करना 100 करके 5-5 करके माइनस करता जाना, और तुम्हें कम से कम 5-6 मैच खेलना होगा यार, और तुम्हारा देखना किस सेंसिटिविटी किस रेड डॉट में जो है तुम्हारा ज़्यादा हेडशॉट लग रहा है, और तुम यहाँ भी देख सकते हो मेरा सेटिंग कुछ चेंजेस नहीं है भाई, ऑलवेज लेफ्ट फायर बटन क्विक स्विच ओपन एनेबल, ठीक है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है,
तुम्हें भी इसी तरह अपना सेटिंग कर लेना है। और अगर तुम्हें इस सेटिंग से दिक्कत आता है भाई, तुम अपना ही सेटिंग रख सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्विक स्विच वेपन का जो है हमेशा यूज किया करो। क्यों यूज करना चाहिए मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है। और देखो, हाई FPS को हाई नहीं रखो, ठीक है। हाई FPS जो देख रहे हो लिखा हुआ है उसको नॉर्मल में अगर तुम्हारा है तो उसको हाई कर दो, ठीक है। इसको हाई जरूर करना, क्योंकि इससे जो है तुम्हारा टच रिस्पॉन्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा गेम लेग कम करेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना, उसको करना, ठीक है। बाकी सब सेटिंग तो तुम्हारा मैं देख लेती हूँ। अब चलो मैं तुम लोगों को अपना कस्टम हुड भी दिखा देता हूँ। कस्टम हुड देख, अगर तुम लोग इतना दूर वीडियो को देख चुके यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। क्या कर रहे हो, वीडियो को तुम लोग लाइक ही नहीं करते, मेरा चैनल को सपोर्ट करो यार। तुम लोगों ने अभी तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया, इसके लिए थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, ठीक है। उसके बाद टारगेट है भाई 500 करके मिलियन तक छूना, ठीक है। मेरा भी सपना है भाई कि यूट्यूब में मेरा भी मिलियन में सब्सक्राइबर हो, ठीक है। और तुम लोग देख सकते हो मेरा कस्टम हुड, मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। अगर चाहते हो तो तुम लोग कॉपी भी कर सकते हो। तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो है वाइट FF, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो बहुत बड़ा यूट्यूबर भाई, उसका गेम प्ले देख कर ही मैंने फ्री फायर को जो है खेलना चालू किया। उसका गेम प्ले मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राइस्टार को भी पहले देखता था, ठीक है, उसका गेम प्ले मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने जब वाइट FF को देखा भाई तो मैं उसका बिग फैन हो गया। तब से मैं उसी का कस्टम हुड यूज कर रहा हूँ और अभी तक मैं उसी का कस्टम हुड से खेलता हूँ। रैंक हो, फुल मैप हो, कस्टम कुछ भी हो, मैं इसी से खेलता हूँ और भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें खेलना, ठीक है। तो तुम लोग भी अगर चाहो तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करोगे तुम लोग कॉपी करो, क्योंकि अगर तुम लोग अपने कस्टम हुड में कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो उस कस्टम हुड से खेलो। हाँ, तुम लोग फायर बटन के साइज को अपने अनुसार जो है सेट करना, उसको जितना हो सके नीचे रखना, क्योंकि ड्रैग करते वक्त जो है तुम्हें ज़्यादा, जितना ज़्यादा तुम अच्छे से ड्रैग करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा जो है हेडशॉट लगने के चांस बढ़ेंगे। तो चलो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ तुम्हें किस तरह से ड्रैग करना है और वो क्या ड्रैग करना है जिससे तुम्हारा जो है हेडशॉट। तो देखो, हेडशॉट मारने का जो सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें जो है जिस तरफ एनिमी है, ठीक है, जिस तरफ एनिमी है उस तरफ तुम्हें ड्रैग करना होगा, ठीक है, जिस तरफ एनिमी है उस तरफ ड्रैग करना है। देखो, मैं तुम्हें बार बार क्लिप दिखा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखो, मैं जिस तरफ बंदा उस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बंदा आगे है तो मैं आगे तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और फायर बटन को जो है रोटेशन ड्रैग ट्राई करना है यहाँ, ठीक है, राइट रोटेशन ड्रैग ट्राई करना है, मतलब यू के शेप में, ठीक है। और जिस तरफ भी बंदा है उस साइड को जो है शिफ्ट करके उस साइड रोटेशन ड्रैग ट्राई करना, ठीक है, तुम्हारा हेड लगेगा। और तुम्हारा एम जो है कहीं पर भी हो तुम्हें जो है बॉडी के आसपास ही रखना है, बस इतना ट्रिक इस्तेमाल करके देखो, बस तुम्हें ये ट्रिक इस्तेमाल करना है। उसके बाद तुम लोग देखो तुम्हारा गेम प्ले में हेडशॉट कितना अच्छा से लगेगा। और अगर नहीं हेडशॉट लगता है तो तुम लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना है अगर तुम्हारा हेडशॉट नहीं लग रहा है, मैं तुम लोगों का और तुम लोगों का डिवाइस कौन सा है, ठीक है। और अगर हेडशॉट लगता है भाई तो तुम लोग यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आ रहा तो यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना यार। तुम लोग सपोर्ट दिखाओ, तुम लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोगों का कौन सा गन में हेडशॉट का प्रॉब्लम हो रहा है या फ्री फायर में कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम लोग मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलो, इसी बात पर मैंने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा तुम लोगों ने, मैं समझ सकता हूँ। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।